नमस्कार दोस्तों, उत्कर्ष एकेडमी गिरजीपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। प्यारे साथियों, जैसा कि हम जानते हैं, मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती परीक्षा वर्ग 3 2022 अभी हाल ही में स्टार्ट होने वाला है। तो प्यारे साथियों, हम लोग डिस्कस करेंगे 100 अति महत्वपूर्ण गणित शिक्षा शास्त्र पेडागोजी के कुछ क्वेश्चन से दोस्तों, जिनका एग्जाम में आने का पूरा पूरा चांसेस है। तो पूरे इन प्रश्नों को आप लोगों को ध्यानपूर्वक समझना प्यारे दोस्तों। यहाँ पर आज का ये पहला क्लास है इनका। प्यारे दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम लोग 25 क्वेश्चन टोटल डिस्कस करेंगे। 25 25 क्वेश्चन के चार वीडियोस में आप लोगों के सामने लेकर आऊंगा। चारों वीडियो को आप लोगों को ध्यानपूर्वक देखना है दोस्तों। कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। तो चलते हैं दोस्तों आज का पहला प्रश्न। जैसे कि पहले प्रश्न में हमारे पास है, रेखा गणित हेतु निम्नांकित में से सर्वाधिक प्रमुख विधि है। तो प्यारे दोस्तों, चार ऑप्शन हमें दिया गया, निगमन विधि, आगमन विधि, खोज विधि, व्याख्यान विधि। तो प्यारे साथियों, रेखा गणित हेतु जो सर्वाधिक प्रमुख विधि होती है प्यारे दोस्तों, वो होती है आगमन विधि। यानी कि इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है बी वाला ऑप्शन, आगमन विधि। आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक दो। अगला क्वेश्चन है 2 नंबर का, 10 गीतिका नामक गणित गणिती ग्रंथ की रचना किसने की थी। प्यारे दोस्तों, पहला ऑप्शन है ब्रह्मगुप्त, वराहमिहिर, आर्यभट्ट, रामानुजन। यानी कि 10 गीतिका नामक गणिती ग्रंथ की जो रचना की थी प्यारे दोस्तों, ये की थी आर्यभट्ट जी ने। तो आप लोगों के अगर एग्जाम में आता है 10 गीतिका, क्या याद रखना है, 10 गीतिका नामक गणिती ये ग्रंथ है, इसकी रचना किसने करी है, आर्यभट्ट जी ने की है। तो इनका नाम आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। प्रश्न क्रमांक 3, ज्यामिति की समस्याओं का हल करने के लिए निम्नलिखित विधि का प्रयोग अध्यापक को करना चाहिए। यानी कि जो ज्यामिति ज्योमेट्री होती है दोस्तों, इसकी समस्याओं को हल करने के लिए जो सबसे अध्यापक को जो विधि का यूज करना चाहिए, उस विधि का नाम है। चार ऑप्शन हमें दिए गए, विश्लेषण विधि, आगमन विधि, व्याख्यान विधि और निगमन विधि। तो प्यारे दोस्तों, जो विधि का नाम है इसका जो सही जवाब होगा वो होगा विश्लेषण विधि। यानी कि ज्यामिति की जितनी भी समस्याएं हैं उनको उनका हल जानने के लिए जो अध्यापक को प्रयोग करना चाहिए वो विधि का नाम है विश्लेषण विधि। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा, जो आप लोगों को याद रखना है। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न क्रमांक 4, अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन में निहित है। मतलब जो अपेक्षित व्यवहारगत है वो किस परिवर्तन में निहित है। हमें चार ऑप्शन दिए हैं। पहला ऑप्शन है शैक्षिक उद्देश्य, दूसरा ऑप्शन है तात्पर्य उद्देश्य, सी वाला ऑप्शन है सामान्य उद्देश्य और डी वाला ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे साथियों, इसका जो सही जवाब होगा वो होगा प्राप्य उद्देश्य। प्राप्य उद्देश्य यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा, अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन में क्या निहित है दोस्तों, तो प्राप्य उद्देश्य आपको याद रखना है। प्रश्न क्रमांक 5 आप लोगों के सामने है। यानी कि प्रश्न क्रमांक 5 में लिखा है, शिक्षण के सामान्य उद्देश्य होते हैं। शिक्षण के सामान्य उद्देश्य क्या क्या होते हैं। चार ऑप्शन हमें दिए हैं, दूरगामी, दूरगामी नहीं, पाठ योजना में प्राप्त नहीं किए जा सकते, या फिर मानव व्यवहार में नहीं झलकते हैं। तो प्यारे दोस्तों, जो शिक्षण के सामान्य उद्देश्य होते हैं वो होते हैं दोस्तों दूरगामी। तो दूरगामी याद रखना, शिक्षण के सामान्य उद्देश्य होते हैं दूरगामी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। बढ़ते हैं 6 नंबर की ओर। 6 नंबर में लिखा, प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण का महत्व है। प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण का महत्व है। पहला ऑप्शन है हमारे पास सांस्कृतिक, दूसरा ऑप्शन है मानसिक, सी वाला ऑप्शन है व्यावहारिक और डी वाला ऑप्शन है आध्यात्मिक। तो प्यारे दोस्तों, जो प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण का महत्व है वो है व्यावहारिक। यानी कि प्राथमिक स्तर पर जो गणित सोल्व किया जाता है व्यावहारिक स्तर पर सोल्व किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं 7 नंबर की ओर। 7वां क्वेश्चन है दोस्तों, गणित शिक्षण छात्रों में प्रश्नों को शीघ्र एवं शुद्ध हल करने की आदत डालने की श्रेष्ठ विधि है। सिद्धांत को समझने के बाद, पहला ऑप्शन है शुद्धता से हल करवाना, निर्धारित समयावधि में प्रश्नों को हल करवाना, लिखित एवं मौखिक अभ्यास करवाना, शीघ्रता से प्रश्न हल करवाना। तो प्यारे दोस्तों, इसका जो सही जवाब होगा सी वाला ऑप्शन होगा, लिखित एवं मौखिक अभ्यास करवाना। यानी कि अगर हम लोग
गणित को पढ़ते हैं तो उसका लिखित और मौखिक अभ्यास करते हैं दोस्तों, तो ये सबसे श्रेष्ठ विधि होती है। तो ये क्वेश्चन का सही जवाब होगा सी वाला ऑप्शन। बढ़ते हैं 8 नंबर की ओर। 8वां क्वेश्चन है हमारे पास, गणित शिक्षण का वास्तविक उद्देश्य ज्ञान प्राप्त करना नहीं वरन शक्ति प्रदान करना है, यह कथन किसका है? तो प्यारे दोस्तों, 4 ऑप्शन हमारे पास है, ड्यूर, बेकन, डटन, रमन। तो प्यारे दोस्तों, गणित शिक्षण का वास्तविक उद्देश्य जो होता है वो ज्ञान प्राप्त करना नहीं है वरना शक्ति प्रदान करना है, ये कथन किसने दिया था? तो ये दिया था डटन ने। प्यारे दोस्तों, ये दिया था डटन ने। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा, डटन, आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 9 नंबर में लिखा है, कुहक गणित ग्रंथ की रचना किसने की थी? यानी कि कुहक गणित का एक ग्रंथ है दोस्तों, इसकी रचना किसने की थी? वराहमिहिर पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन है महावीराचार्य, सी वाला ऑप्शन में ऑप्शन है ब्रह्मगुप्त, और डी वाला ऑप्शन है श्री धाराचार्य। तो आप लोगों को याद रखना है ब्रह्मगुप्त, इसका सही जवाब होगा ब्रह्मगुप्त। ब्रह्मगुप्त ने क्या किया था? कुहक गणित ग्रंथ की रचना की थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 10, राजस्थान के भीनमाल कस्बे में किस गणितज्ञ का संबंध है? तो दोस्तों, 4 ऑप्शन हमारे सामने हैं, महावीराचार्य, श्री धराचार्य, ब्रह्मगुप्त, वराहमिहिर। यानी कि राजस्थान का जो भीनमाल कस्बा है वहां पर, वहां से जो गणितज्ञ जी हैं उनका नाम है ब्रह्मगुप्त। ब्रह्मगुप्त आपको याद रखना है, ब्रह्मगुप्त का संबंध था प्यारे दोस्तों राजस्थान के भीनमाल कस्बे से। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। प्रश्न क्रमांक 11 हमारे पास है, गणित सार संग्रह की रचना किसने की थी? तो पहला ऑप्शन है हमारे पास महावीराचार्य, बी वाला ऑप्शन है श्री धराचार्य, सी वाला ऑप्शन है भास्कराचार्य, और डी वाला ऑप्शन है गणेशाचार्य। तो प्यारे दोस्तों, जो गणित सार संग्रह है इसकी जो रचना की थी वो की थी महावीराचार्य, यानी ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब होगा। तो महावीराचार्य का नाम आपको याद रखना, इन्होंने गणित सार संग्रह की क्या की थी? रचना की थी। बढ़ते हैं 12वें नंबर की ओर। 12वां क्वेश्चन है, गणित की वह कौन सी विधि है, गणित की वह कौन सी विधि है जो करके सीखने के सिद्धांत पर काम करती है, जिसमें छात्र अधिक सक्रिय रहते हैं वह, जिसके द्वारा नवीन तथ्यों की खोज की जा सकती है? पहला ऑप्शन है प्रदर्शन विधि, दूसरा ऑप्शन है प्रयोगशाला विधि, और तीसरा ऑप्शन है संश्लेषणात्मक विधि, और चौथा ऑप्शन है प्रयोजना विधि। तो प्यारे दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा प्रयोगशाला विधि। प्रयोगशाला विधि में क्या होता है, जो प्रयोगशाला विधि होती है इसमें क्या होता है, जिसमें करके सीखने के सिद्धांत पर ये विधि काम करती है, तो ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं 13 नंबर की ओर। 13वां क्वेश्चन है, किसी खेल का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए उपयोगी गणित शिक्षण विधि है? किसी खेल का, खेल या खेद भी हो सकता है साथियों, थोड़ा सा मिसप्रिंट हो सकता है, यहाँ पर मैच कर लेना है। तो किसी खेत का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए उपयोगी गणित शिक्षण विधि है। पहला ऑप्शन है विश्लेषण विधि, दूसरा ऑप्शन है इकाई विधि, सी वाला ऑप्शन है क्रिया विधि, और डी वाला ऑप्शन है संश्लेषण विधि। तो प्यारे दोस्तों, ये होगी क्रिया विधि, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी क्रिया विधि किसी खेत का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए उपयोगी गणित शिक्षण विधि है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 14 नंबर की ओर। 14 नंबर में आप लोगों के पास है, अबेकस का प्रयोग छोटी कक्षाओं में किस शिक्षण में प्रभावी होता है? तो बोलना सिखाने में ए वाला ऑप्शन है, बी वाला ऑप्शन है सीखना सिखाने में, लिखना सिखाने में, और सी वाला ऑप्शन है गिनती सिखाने में, और डी वाला ऑप्शन है हस्तलेख सिखाने में। तो जो अबेकस का प्रयोग छोटी कक्षाओं में होता है दोस्तों, वो गिनती सिखाने में होता है। तो ये भी आपको बताना होगा अगर एग्जाम में आता है कि अबेकस का जो प्रयोग है वो छोटी कक्षाओं में किस शिक्षण के प्रभावी में होता है? तो दोस्तों, ये होता है गिनती सिखाने में, अबेकस, आपको ये याद रखना है। बढ़ते अगला क्वेश्चन 15 नंबर की ओर। आप वृत्त की परिधि ज्ञात करने के लिए किस शिक्षण विधि को प्रयोग में लाएंगे?
यानी कि अगर वृत्त की परिधि ज्ञात करना है तो किस शिक्षण विधि को प्रयोग में लाना है? पहला ऑप्शन है ए वाला विश्लेषण विधि, बी वाला ऑप्शन है इकाई विधि, सी वाला ऑप्शन है क्रिया विधि और डी वाला ऑप्शन है निगमन विधि। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि वृत्त की जो परिधि ज्ञात करना है उसके लिए जो शिक्षण विधि यूज की जाती है वो की जाती है निगमन विधि, यानी निगमन विधि इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। निगमन विधि के द्वारा हम लोग वृत्त की परिधि को आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। बढ़ते हैं 16 नंबर की ओर। 16 नंबर में लिखा है पर्यवेक्षित स्वाध्याय विधि का गुण है। तो पहला ऑप्शन है इसका व्यक्तिगत क्रियाओं विधि का गुण है, पिछड़े बालकों की शिक्षा उपयुक्त ढंग से देना, छात्रों की पाठ्य वस्तु का गहनता से विकास करना, उपयुक्त सभी। यानी प्यारे दोस्तों इसका जो सही जवाब होगा वो होगा उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, पर्यवेक्षित स्वाध्याय विधि का गुण है। तो ये चार तीनों ही गुण दोस्तों पर्यवेक्षित स्वाध्याय विधि का गुण है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 17 नंबर, रेखा गणित का संबंध है, रेखा गणित का संबंध है संख्याओं से है या फिर प्रसार व विस्तार से है, अंकों से है या प्रतीक चिन्हों से है। तो दोस्तों रेखा गणित का जो संबंध है वो प्रसार व विस्तार से होगा। किससे होगा? प्रसार व विस्तार, इसमें विस्तार से भी बात की जाती है रेखा गणित में और उनका प्रसार भी किया जाता है। तो आपको याद रखना है रेखा गणित का संबंध प्रसार व विस्तार से है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 18 नंबर हमारे सामने ये रहा और 18 नंबर में लिखा है गणित सभी विज्ञानों का सींग द्वार और कुंजी है, यह विचार किसका है? यहां पर क्वेश्चन कह रहा है कि जो गणित है वो सभी विज्ञानों का सींग द्वार है और कुंजी है, यह कथन किसका है? पहला ऑप्शन हमारे पास है डटन का, बी वाला ऑप्शन है हांगबेन का और सी वाला ऑप्शन है रोजर बेकन का और डी वाला ऑप्शन है पी सैमुअल का। तो प्यारे दोस्तों इसका जो सही जवाब होगा वो होगा रोजर बेकन। रोजर बेकन का नाम आपको याद रखना है। सी वाला ऑप्शन इसका सही जवाब होगा, गणित सभी विज्ञानों का सींग द्वार और कुंजी है। ये किसने कहा था दोस्तों? तो ये कहा था रोजर बेकन ने। तो इनका नाम भी आपको याद रखना है। 19 नंबर, 19 नंबर में है पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत हैं। पहला वाला ए ऑप्शन है समन्वय व सुसंगठितता का, बी वाला ऑप्शन है उपयोगिता व जीवन के संबद्धता का, सी वाला ऑप्शन है क्रियाशीलता व परिवर्तनशीलता का और डी वाला ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों उपयुक्त सभी होगा, डी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर है। यानी कि जो पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत हैं ये एबीसी तीनों ही ऑप्शन पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत है, ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 20 नंबर की ओर। वृत्त की परिधि तथा व्यास में संबंध ज्ञात करने हेतु किस विधि का प्रयोग उपयुक्त है? तो पहला ऑप्शन है आगमन विधि, दूसरा ऑप्शन है संश्लेषण विधि, सी वाला ऑप्शन है निगमन विधि और डी वाला ऑप्शन है प्रयोगशाला विधि। तो ये आपका सही जवाब जो होगा इसमें इसमें होगा प्रयोगशाला विधि। यानी जो प्रयोगशाला विधि है दोस्तों ये वृत्त की परिधि तथा व्यास में संबंध ज्ञात करने हेतु उपयुक्त विधि होती है। कौन सी? प्रयोगशाला विधि, आपको इसमें याद रखना है। 21 नंबर देखते हैं। 21 नंबर में लिखा माध्यमिक स्तर पर अंक गणित शिक्षण विधि है, माध्यमिक स्तर पर अंक गणित शिक्षण विधि है। ए वाला ऑप्शन है प्रायोगिक विधि, बी वाला विश्लेषण व संश्लेषण विधि, सी वाला ऑप्शन है आगमन निगमन विधि और डी वाला है उपयुक्त सभी। तो प्यारे दोस्तों इसका जो सही जवाब होगा वो होगा आगमन निगमन विधि। आगमन निगमन विधि प्यारे दोस्तों माध्यमिक स्तर पर अंक गणित की शिक्षण विधि है। आगमन निगमन विधि ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा जो आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन पर पढ़ते हैं 22 नंबर। हासिल का या हाथ का लगा, हासिल का या हाथ का लगा सम प्रत्यय को गणित में सर्वप्रथम देने वाला कौन था? तो कह रहे दोस्तों चार ऑप्शन आपके सामने है भास्कर, ब्रह्मगुप्त, आर्यभट्ट, श्रीधर। तो इसका जो सही जवाब होगा डी वाला ऑप्शन होगा श्रीधर। कह रहे दोस्तों जो श्रीधर है इन्होंने ये वाला
सिद्धांत दिया था, हासिल का या हाथ का लगा सम प्रत्यय को गणित में सर्वप्रथम किसने दिया था? तो इनका नाम है श्रीधर। श्रीधर आपको नाम याद रखना है, ऑप्शन नंबर डी। 23 नंबर में छात्र वृत्त तथा गोले में तुलना करता है। छात्र जो है वृत्त तथा गोले में तुलना करता है, वह किस उद्देश्य की पूर्ति करता है? ऑप्शन नंबर ए ज्ञान की, बी वाला ऑप्शन है अवबोध, सी वाला ऑप्शन है कौशल और डी वाला ऑप्शन है ज्ञानो ज्ञानोपयोग। तो प्यारे दोस्तों, इसका जो सही जवाब होगा वो होगा अवबोध। अवबोध इसका सही आंसर होगा, राइट आंसर होगा अवबोध। अवबोध जो है प्यारे दोस्तों, छात्र क्या करता है अवबोध के माध्यम से वृत्त तथा गोले में तुलना करता है, और ये किस उद्देश्य की पूर्ति करता है? तो ये अवबोध उद्देश्य की पूर्ति करता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। 24 नंबर में लिखा है, एक अध्यापक गणित शिक्षण में अवरोही क्रम का अनुसरण कर रहा है, वह किस विधि से प्रेरित है? तो ऑप्शन नंबर ए लिखा है प्रयोगशाला विधि, बी वाला ऑप्शन है आगमन विधि, सी वाला ऑप्शन है संश्लेषण विधि और डी वाला ऑप्शन है निगमन विधि। तो प्यारे साथियों, इसका जो सही जवाब होगा वो होगा निगमन विधि। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है, निगमन विधि। एक अध्यापक गणित शिक्षण में अवरोही क्रम का अनुसरण कर रहा है, ये निगमन विधि से प्रेरित है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। 25वां क्वेश्चन है, प्रयोगशाला विधि किस विधि का विस्तृत रूप है? प्रयोगशाला विधि किस विधि का विस्तृत रूप है? ऑप्शन नंबर ए इकाई विधि, ऑप्शन नंबर बी निगमन विधि, ऑप्शन नंबर सी संश्लेषण विधि और ऑप्शन नंबर डी आगमन विधि। तो प्यारे दोस्तों, इसका जो सही जवाब होगा वो होगा आगमन विधि। आगमन विधि प्रयोगशाला विधि का विस्तृत रूप है, आगमन विधि। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। प्यारे साथियों, ये थे आज के 25 क्वेश्चन। 25 के बाद 26 से तो अगले पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे। प्यारे दोस्तों, चारों पार्ट को आप जरूर देखिएगा, 100 क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो सब्सक्राइब कर लें, इससे जब भी वीडियो अपलोड होगा प्यारे दोस्तों, जिसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सकेगा। और यदि ये वीडियो आपको पसंद आया और आपको फायदा होता है अगर थोड़ा भी इससे, तो इसे जरूर लाइक शेयर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।